अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं डॉक्टर इब्राहिम सुन्नी दावत इस्लामी शाह गुलबर्गा की तरफ से आपको ये इतला देना चाह रहा हूँ कि 15 अगस्त को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक SDI यूथ सेंटर सैयद गली में मरकज पे ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। इस ब्लड डोनेशन कैंप में आप आके अपना कीमती ब्लड डोनेट करके कौम और मिल्लत और इंसानियत की खिदमत के लिए आप पेश हो जाएं। ये ब्लड कैंप SDI यूथ सेंटर में रखा गया है, जिसकी अहमियत आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बताना चाह रहा हूँ कि ब्लड जो है, खून जो है, कहीं फैक्ट्री में नहीं बनता, कहीं आपको मार्केट में नहीं मिलता। इसको आपके ही जिस्म से निकाल के दूसरे जिस्म में डालना पड़ेगा, और ये जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप किसी की जान बचाने के लिए दे सकते हैं। और आप जब ये ब्लड देंगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी जो आपको फ्यूचर में कभी आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ेगी तो आप वो सर्टिफिकेट बना के वो ब्लड बैंक से आप ब्लड रिप्लेस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी शाह गुलबर्गा के ज़रिए तमाम 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर एक खिदमत खल के तहत एक कौमी और अवामी फलाह बहबूद के लिए एक कैंप यानी ब्लड कैंप का क़याम किया गया है, जिसमें लोगों से गुजारिश है और लोगों को बताना है कि आप इस खिदमत खल के लिए भी आप भी अपना हिस्सा बने, वो इस तौर पर कि आप अपना खून दे ताकि बवक्त ज़रूरत की इंसानी जान जा रही हो। चूँकि आम तौर पर कभी कभी ऐसा हादसा, बड़े बड़े हादसात होते हैं, रेलवे हादसा या बस हादसा है, इसमें कई लोगों की बवक्त जाने का इम्कान रहता है। अगर उन्हें बवक्त ज़रूरत खून वक्त पर मिल जाए तो डॉक्टरों के कहने के मुताबिक और उनके बताने के मुताबिक कि अब उसके जान बचने की यही सूरत है के खून उन्हें दिया जाए। तो अब फ़ुकाए कराम में अगरचे खून एक नापाक चीज़ है और उसका इस तरीके से इस्तेमाल इंसानी जिस्म में जो कि नापाक होने के अतबार से जायज़ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वक्त ज़रूरत जान बचाने के लिए फ़ुकाए कराम ने अब इस बात की इजाज़त दी है कि ब्लड कैंप का क़याम हो और जो भी हजरात इसमें अपना खून देंगे और उनके खून से अगर किसी बंदे की जान बच जाए, जबकि वो इस खून के देने पर किसी तरह का पैसे का मुतालबा ना हो, पैसा देने लेने की शर्त ना हो, तो फिर ये इस तरह का खून लेना अतिया के तौर पर देना ये जायज़ है। लिहाजा मैं उन तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि अगर आपके जहन में शरीयत के अतबार से किसी भी जैसे शक व शुभ है कि खून दे सकते कि नहीं दे सकते हैं, तो यकीनन आप दे सकते हैं। और अगर आपकी नीयत किसी की जान बचाने की है तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से उम्मीद है कि वो आपको ज़रूर सवाब अता फरमाएगा। और इसमें जो ब्लड देने वाले हैं उनके लिए भी ख़ास फ़ायदा ये है कि अगर कभी उन्हें खून लेने की ज़रूरत पड़ी तो इस मौके से उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसे दिखा करके वो वक्त ज़रूरत अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए खून को हासिल कर सकते हैं। लिहाजा तमामी हजरात से गुजारिश है कि जोशो जज्बा के तहत इस मौके पर शामिल हो और खिदमत खल का सबूत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी आपने सुना, डॉक्टर साहब ने और हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला ने बताया कि SDI यूथ सेंटर जामे मस्जिद इमाम आज़म मरकज़ सुन्नी दावत इस्लामी पर 15 अगस्त के दिन जो है 11 बजे ता 5 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बिलखसूस नौजवान तबके से, कि आगे आएँ और इस कार्य खैर में हिस्सा लेने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू।